सब्सक्राइब कीजिए नवीन सोनी सर चैनल एंड प्रेस ऑन बेल आइकन ऑल इन वन वीडियोज सबसे पहले पाने के लिए। यहाँ पर करनी माता पेनोरमा देशनोक राजस्थान धरोहर संरक्षण, इसमें हम आपको दिखाने के लिए ले के चल रहे हैं। ये देख लिया, चलते हैं। यहाँ पर पे एंड सी वाला प्रोग्राम है, टिकट लगती है 10 रुपए की। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर शीतल जल की भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। ये शीतल जल है ठंडा पानी पीने के लिए, ये आप देख रहे हैं, देखो ठंडा पानी आ रहा, अच्छा पानी है। अच्छी यहाँ की लोकेशन है, आप देख रहे हैं, देखो कितनी अच्छी लोकेशन है। चलिए हम आप आगे दर्शन कराते हैं। ठीक, सर देख रहे हैं कितने अच्छा सुंदर बनाया हुआ है। इसकी टिकट लगती है 10 रुपए पर पर्सन, वैसे के 10 रुपए, केवल 10 रुपए। 10 रुपए में ये सब चीज़ हमें देखने को मिलती है। आजा छतरी दिखता है, ये छतरी बनाई हुई है, सामने से दिखाते हैं किसकी है। देखने लायक हैं? ये देख रहे हैं आप, ये गोविंद का प्रमाणनामा की सभागार है। बस बस बंद है सभागार। चलिए हम आपको मेन कैंपस में लिए चलते हैं। है? देखो बोली देवी है, होगी कोई बाबोसा वगैरह कुछ है, ये पता नहीं। या कोई अंदर तो कंचन बोल देगा परवेश। ये अंदर है, इसके अंदर प्रवेश द्वार है, इसमें हम आपको लिए चलते हैं। ये आप देख रहे हैं, इसका उद्घाटन वसुंधरा राजे जी ने किया था। इसमें ये है दानदाताओं की सूची है, आप देख रहे हैं।
हिसाब से कि किसने कितने कितने रुपए देकर इसमें दान किया है। ये प्रवेश द्वार है और ये है निकास द्वार। इसको आपको अंदर ले चलते हैं। चलिए यहाँ पर गार्ड साहब बैठे हुए हैं, ये टिकट चेक करते हैं। टिकट चेक करने के बाद में अंदर ले जाने देते हैं। तो आप देख लीजिए देख रहे हैं आप। सारी जो इसी बात लिखी हुई है वो आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। पढ़ने के बाद में आप देख लेना, ये नीचे जो कर रहे हैं ये इसी हिसाब से चल रहा। देख थोड़ा गए भागे क्या ले तो नहीं भाग के अंडा बटन चाले आप क्या ले आए हैं ये चाहते हैं तो चीज देखो तेरी फोटो भी आगे है तो क्या। ये आप देख लीजिए अच्छे तरह से पढ़ लेना क्या लिखा हुआ है इस यहाँ पर। ये देख लीजिए अपने पिताजी को ठीक कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। चल ठीक कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। पहली बार देख रही है क्या? हाँ यहाँ से तो पहली बार देख रहे हैं। आए तो हैं लेकिन यहाँ नहीं आए। ये कन्नी जी है बालिका के रूप में, तो इनके इतने इतने अच्छे काम है आप देख लीजिए। पिताजी को सिर्फ ने डस लिया था, तब कन्नी जी ने पिताजी का इलाज किया था और वो सही हो गए। कन्नी जी के पिताजी का नाम मेहाजी श्री कन्नी देवी का ये विवाह कर दे रहे हैं आप। से इनको पढ़ करके फिर आप इनको अच्छे से देख सकते हैं। ये आप देख लीजिए के साथ।
नेड़ी कार ओपन करना या पढ़ कर रीड करके और आराम से आप देख सकते हैं। एकदम आ जा श्री कर्ण जी द्वारा नेहड़ी का रूपण सूर्यास्त का श्री जी कर्ण जी वो दिन के साथ जिस स्थान पर पहुंची वह स्थान वर्तमान में श्री नेहड़ी जी मंदिर है। इस नेहड़ी जी मंदिर की ऐतिहासिक कथा के अनुसार श्री कर्ण जी अपने सेवक गुणिया को सुबह खेजड़ी के वृक्ष में सूखी लकड़ी लाने के बाद सेवक ने खेजड़ी सूखी लकड़ी लाकर श्री कर्ण जी को दे दी। श्री कर्ण जी ने उस लकड़ी को जमीन में गाड़ दिया और उसके दही के छींटे दिए। यह लकड़ी सूखी लकड़ी खेजड़ी का आरोग्य बन गया। बाद में महाराजा गंगा सिंह ने यह मंदिर का निर्माण करवाया। फोटो देखो कितनी जीवंत फोटो है हमारे कृष्ण कन्हैया के। तो कन्हैया के तो मन में ऐसे हो गया कि अब दही दही खाएंगे, माखन दे रही है हमें, ये माखन लो, माखन माखन खिला रहे हैं आपको, ठीक है। बल्कि कहना तेरी उम्र खंडित हो गई है ऐसा। और ये भी ज्यादा क्रोधित हो गया कि और कहा कि यदि तुम वास्तव में देवी का रूप है तो पता मेरी मन किस दिन से चंदी गरीब नहीं सुन लो तेरी वो पायो को तो तेरी की उम्र खंडित हो गई क्या जिसको तुम्हें तो पता ना पता मेरी बहुत होता है पता मेरी श्री कन्ने जी पर रिटमिल को वरदान देने से नाराज था। उसने श्री कन्ने जी को झूठ से निकालने के लिए जानवी के कुएं पर अपने पशुओं को पानी पीने दिया। श्री कन्ने जी नाराज अर्जुन और विजय युवा श्री कन्ने जी को तत्काल झूठ से निकाल देने के लिए विजय अर्जुन और विजय ने श्री कन्ने जी को झूठ से निकाल जाने के लिए अवसत गए। और अभद्र विवाह करके श्री कन्ने जी ने नाराज होकर कहा कि विद्युत मोह ऐसे भाग जाओ। श्री कन्ने जी ने ऐसा कहते ही अर्जुन और विजय के मन में विद्युत जैसे उनके जान जाने की तैयारी करने लगा। ये देखिए दोनों के मुँह है गिद्दड़ जैसे हो गए। ये कन्नी जी ने कहा कि गिद्दड़ो यहाँ से भाग जाओ तो दोनों के मुँह है गिद्दड़ों जैसे हो गए। ये आप देख रहे हैं ना हिसाब से ये आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि आप अच्छी तरह से इनको पढ़ सके। आराम से स्टील करके दिखा रहा हूँ, आराम से पढ़ो। पढ़ने के बाद में आप जजमेंट लेना के हिसाब से। Thank you.
कितने जीवंत तस्वीर बनाए हुए हैं आप देख सकते हैं, ऐसे लगता है जैसे अभी जीवित हैं और मुंह से बोलने वाले हैं। देख लिया हमारे सेठ जी का मन होगा यहाँ पर बैठने के लिए कीर्तन करने के लिए, हाथ जोड़ के बैठे हैं, कीर्तन थोड़ी हो रही है, आशीर्वाद दे रही है। अच्छी तरह से पढ़ करके समझ लेना आराम से। ये हमारे सेठ जी हैं आप देख रहे हैं, ये देख लीजिए ये सेठ जी हैं हमारे, देखो क्या बात है, बेकार तो लट्टी लगा रहा है कि आगे बेकार आधे राधे लो सेठ जी, ये ऊँट पर बैठिए हमारे सेठ जी, ठीक लड्डू गोपाल को चुना दर्शन करा रहे हैं, देखो लड्डू मानते हैं ना, बेटा मानते हैं ना, इसलिए देखो लड्डू गोपाल को बेटा मानते हैं, तो जहाँ भी जाते हैं ना अपने साथ लेके जाते हैं, घुमाते हैं फिराते हैं, सब कुछ दर्शन कराते हैं, इनको बड़ा अच्छे से फिर आइसक्रीम वाइसक्रीम सब वैष्णो देवी के पास ही है ना, वैष्णो देवी मंदिर देखा हुआ ना हाईवे रोड पर ही का, कम जाते हो आप, गए नहीं ना अभी, कब जाना, सुनो
कौन सी आंटी का कस्टम बना रहा हूँ बता देंगे आप। मैं आपका फोन नंबर ले लेता ना। हाँ बता दे। एक मिनट आप कह रहे फोन ये देखिए आप देख रहे हैं करनी माता जी के सब आराम से दर्शन के लीजिए सब इनके जो बचपन में जो किया था वो दिखा रहे हैं यहाँ पर सब। लुटेरों को देख लिए ऐसे भगाते हैं लुटेरों को मैया जी आप देख रहे हैं।